बीजेपी के कद्दावर नेता और पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली अब हमारे बीच नहीं रहे। लंबे समय से बीमार चल रहे जेटली ने शनिवार 24 अगस्त को अंतिम सांस ली। जेटली के जाने से पीएम मोदी बेहद दुखी नजर आए। यूएई दौरे पर गए पीएम मोदी ने एक के बाद एक 5 ट्वीट कर अरुण जेटली के निधन पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि अरुण जेटली जी एक राजनीतिक दिग्गज थे जो बौद्धिक और कानूनी रूप से जीवंत थे। वो एक मुखर नेता थे जिन्होंने भारत में स्थायी योगदान दिया। उनका निधन बहुत दुखद है। उनकी पत्नी संगीता जी के साथ साथ बेटे रोहन से भी बात की और संवेदना व्यक्त की। ओम शांति। पीएम मोदी ने एक और ट्वीट में कहा, जीवन से भरपूर, बुद्धि से भरपूर, हास्य और करिश्मा की एक महान भावना, अरुण जेटली जी को समाज के सभी वर्गों के लोगों ने सराहा। भारत के संविधान, इतिहास, सार्वजनिक नीति, शासन और प्रशासन के बारे में त्रुटिहीन ज्ञान होने से वो बहुआयामी थे। अपने लंबे राजनीतिक जीवन के दौरान अरुण जेटली जी ने कई मंत्री पद का दायित्व निभाया जिसने उन्हें भारत की आर्थिक वृद्धि में योगदान देने, हमारी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने, लोगों के अनुकूल कानून बनाने और अन्य देशों के साथ व्यापार बढ़ाने में सक्षम बनाया। भाजपा और अरुण जेटली जी का टूट बंधन था। एक उग्र छात्र नेता के रूप में वो आपातकाल के दौरान हमारे लोकतंत्र की रक्षा करने में सबसे आगे थे। वो हमारी पार्टी के सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला चेहरा बन गए जो पार्टी के कार्यक्रमों और विचारधारा को समाज के एक व्यापक विस्तार तक स्पष्ट कर सकते थे। अरुण जेटली जी के निधन से मैंने एक मूल्यवान मित्र खो दिया है जिसे मुझे दशकों से जानने का सम्मान मिला है। मुद्दों पर उनकी समझ और मामलों की बारीक समझ, बहुत कम समानताएं थी। हम सभी को असंख्य सुखद यादों के साथ छोड़कर वो चले गए। हम उन्हें बहुत मिस करेंगे। देश के लिए विदेश दौरे पर गए पीएम मोदी जेटली के निधन से बेहद दुखी। पीएम मोदी ने फोन कर जेटली के परिवार से दुख जताया। सूत्रों के मुताबिक जेटली के बेटे रोहन ने पीएम मोदी से कहा कि आप देश को आगे बढ़ाने के लिए बाहर गए हैं, इसलिए हो सके तो अपना दौरा रद्द ना करें। उन्होंने कहा कि देश सबसे पहले है, इसीलिए आप अपनी यात्रा पूरी करें, उसके बाद ही भारत वापस लौटें। बता दें, अरुण जेटली को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का सबसे भरोसेमंद साथी माना जाता था। मोदी जब प्रधानमंत्री बने और गुजरात से दिल्ली आए तो उन्होंने एक इंटरव्यू में खुद कहा था कि दिल्ली के लिए वो नए हैं। कहते हैं, इस वक्त अगर मोदी की सबसे ज्यादा मदद किसी ने की तो वो जेटली ही थे। साल 2013-14 के लोकसभा चुनाव के पहले मोदी को बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया गया तो पार्टी में मोदी के नाम पर सर्वसम्मति बनाने में जेटली का योगदान सबसे महत्वपूर्ण था। पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं को मनाने का काम अरुण जेटली ने ही किया। इतना ही नहीं, साल 2002 के गुजरात दंगे के बाद कानूनी दिक्कतों को दूर करने में भी अरुण जेटली ने नरेंद्र मोदी की मदद की थी। मोदी सरकार में अरुण जेटली एक साथ वित्त और रक्षा जैसे दो बड़े मंत्रालय संभालने वाले नेता रहे। हर वक्त मोदी के साथ खड़े रहने वाले अरुण जेटली ने आज जब दुनिया को अलविदा कहा तो पीएम मोदी बेहद दुखी हुए। उन्होंने कहा, मैंने एक बहुमूल्य मित्र खो दिया।